तो दोस्तों अगर आपका कूलर गर्म हवा देता है, अगर आपके कूलर से बदबू आती है, आपके कूलर में काई जम जाती है, आपके कूलर में जंक वगैरह लगती है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो दोस्तों उस चीज़ से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों उसका इलाज क्या है, इस कूलर के अंदर मटका फिट करना है आपको। तो दोस्तों ये मटका किस तरीके से फिट करना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। तो दोस्तों जो ये मटका आप इस कूलर के अंदर फिट करने के बाद में, जो दोस्तों आपका कूलर है वो बिल्कुल आपको एसी की तरह बिल्कुल ठंडी हवा देगा, और दोस्तों जो आपके कूलर में बदबू वगैरह आती है वो भी नहीं आएगी, और जो दोस्तों जो काई जमती है कूलर के अंदर वो भी नहीं जमेगी। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, इस मटके को इस कूलर के अंदर फिट करना है। तो दोस्तों इस जो मटका है ये किस तरीके से फिट करना है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, इस मटके के इस नीचे की साइड में कुछ होल काट लेना है। तो दोस्तों मैं आपको जो इस मटके के होल काट कर बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको इस मटके के जो होल काटने हैं। तो दोस्तों मैंने जो 5 होल तो है वो मैंने काट लिए, और दोस्तों अब आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको इस मटके के होल काटने हैं। तो दोस्तों आपको एक मशीन ले लेनी है, और इस मशीन की मदद से आपको कुछ इस तरीके से जो आपका मटका है इसके होल निकाल लेना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो आपका मटका है उसके आराम से आप होल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों एक और मैं होल निकाल कर आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जो मैंने मटके के 2 होल आपको काट कर दिखा दिए, जो मेरे मटके के वो 7 होल हो चुके हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इस मटके को कूलर के अंदर फिट करते हैं। मैंने इस मटके के वो होल निकाल लिए, आपको कुछ इस तरीके से अपने मटके के वो होल निकाल लेने हैं, और उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, इस जो कूलर की खिड़की है इसे कुछ इस तरीके से खोल लेना है। इसे रख देता हूँ मैं साइड में, और दोस्तों आपको क्या करना है, जो ये मटका है आपका आप देख सकते हो, इस मटके को कूलर के अंदर कुछ इस तरीके से अंदर रख देना है। और दोस्तों जो ये आपकी पानी की मोटर है, जो ये टीलू पंप है इस कूलर के अंदर लगने वाली, जो ये वाटर पंप है इसे बोलते हैं वाटर पंप, और आपको क्या करना है, इसको कुछ इस तरीके से इसके अंदर रख देना है। तो दोस्तों जो मेरी पानी उठाने वाली मोटर थी कूलर के अंदर, वो मैंने इस मटके के अंदर कुछ इस तरीके से रख दी है, और दोस्तों आपको भी इसके अंदर रख देना है। तो दोस्तों इसे मैं आपको पास से दिखाता हूँ। तो दोस्तों जो आप देख सकते हो जो गड्ढे के अंदर है वो पानी भी आ चुका है, जो हमारा मटका है इसके अंदर पानी भी आ चुका है, और हमारी जो पानी की मोटर है वो भी आप देख सकते हो पूरी इसके अंदर पानी के अंदर डूब चुकी है। तो दोस्तों जो हमारा गड्ढे के अंदर पानी आ चुका है आप देख सकते हो, और दोस्तों अभी क्या है, इस कूलर के अंदर पानी है जो थोड़ा सा कम है। तो दोस्तों जो गड्ढा है वो तो मैंने फिट कर दिया है। तो दोस्तों ये किस तरीके से काम करेगा मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जो कूलर के अंदर बाहर पानी है, ये पानी इस गड्ढे के अंदर जाएगा। गड्ढे के अंदर जाने के बाद में दोस्तों जो ये पानी की मोटर लगी हुई है, ये गड्ढे के अंदर से पानी उठाएगी और दोस्तों ऊपर भेजेगी, और ऊपर जाने के बाद में घास के अंदर आएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो ये गड्ढे के अंदर से पानी उठाएगी, तो दोस्तों ये गड्ढे के अंदर पानी उठाने से जो दोस्तों ये गड्ढा है जो इस पानी को भी ठंडा रखेगा, और दोस्तों इसके अंदर काई वगैरह भी नहीं जमने देगा, और दोस्तों ये जो पानी से बदबू आती है वो भी नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं आपको अब चलाकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों जो ये काम करो आप, कूलर के अंदर जो ये गड्ढा है ये फिट करो। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो इस कूलर की मेन सप्लाई है पावर आती है उसे बाहर निकाल देना है। इसके अंदर लाइट है वो बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, और उसके बाद में आपको क्या करना है, जो गड्ढा है वो कूलर के अंदर लगाना है। तो दोस्तों इसके कारण अगर आप वो नहीं निकालेंगे तो दोस्तों आपको करंट लग सकता है। तो दोस्तों ये आपको कर लेना है। तो दोस्तों मैंने जो अभी इस कूलर की है वो सप्लाई बाहर निकाल दी है, अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर वापस सप्लाई लगा कर आपको ये मोटर चला कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों जो मैं कूलर के अंदर है वो मैंने पावर सप्लाई है वो दे दी है, अब मैं आपको क्या करता हूँ इसे चला कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों जो हमारी मोटर है वो चालू हो चुकी है। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो ये मोटर है पानी अच्छी तरीके से उठाने लग चुकी है। तो दोस्तों जो हमारी वाटर पंप है वो पानी अच्छी तरीके से उठा रही है, आप देख सकते हो जो ये गड्ढा है इस गड्ढे के अंदर से जो वाटर पंप है वो पानी उठा रहा है। और दोस्तों आप देख सकते हो जो इस खिड़की के अंदर है जो घास लगा हुआ है इस घास के अंदर जा रहा है। मैं दोस्तों कूलर चालू कर आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो दोस्तों
जो हमारा कूलर है वो भी चालू हो चुका है और वाटर पंप भी है वो भी चल रहा है। तो दोस्तों अब जो हमारा कूलर है वो बिल्कुल आपको एकदम एसी की तरह हमें ठंडी हवा देगा। जो आपको आप भी अगर अपने कूलर के अंदर ये मटका लगाएंगे तो दोस्तों आपका कूलर है वो एकदम ठंडी हवा देगा। जो दोस्तों मैंने आपको कूलर के अंदर मटका फिट करने का जो पूरा प्रोसेस है वो आपको मैंने समझा दिया अच्छी तरीके से। तो दोस्तों आप जो अपने कूलर के अंदर मटका इस तरीके से लगा सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद में आपको क्या करना है, जो ये खिड़की वगैरह है ये कूलर के आराम से वापस कुछ इस तरीके से लगा देनी है। तो दोस्तों जो मेरा वीडियो है ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।